हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है दिव्यांश सिंहा और मैं सरकार के CSS VSC स्कीम के तहत वोकेशनल ट्रेनर की हैसियत से काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीम के लिए। और मेरा स्कूल है हरिश्चंद्रपुर किरणवाला बालिका विद्याश्रम और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है फंक्शनिंग ऑफ रिपेयर्ड यूनिट, यानी रिपेयर करने के बाद हमें चेक करना होता है कि प्यूरिफायर का हर यूनिट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें से पहला है चेक करना कि सारे कनेक्शंस ठीक हैं कि नहीं। उसके बाद हम सारे कनेक्शंस में लीकेज के लिए चेक करते हैं, फिर हम पानी का फ्लो चेक करते हैं, और आखिर में हम TDS मीटर की मदद से पानी का TDS लेवल चेक करते हैं, जो कि 50 से 75 के अंदर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्यूरिफायर को रिपेयर करने के बाद कैसे रीअसेंबल किया जाता है। प्यूरिफायर को ठीक करने के बाद यानी रिपेयर करने के बाद उसे ठीक से रीअसेंबल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ठीक से असेंबल नहीं करेंगे तो शायद उसमें फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो हैं, पहले तो हमें पावर केबल को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि पंप को काम करने के लिए पावर मिल जाए। उसके बाद हम प्री फिल्टर को सप्लाई इनलेट से यानी कि वाटर सप्लाई इनलेट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद प्री फिल्टर का जो आउटलेट है वो कनेक्ट होता है सेडिमेंट फिल्टर के इनलेट से। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर का आउटपुट कनेक्ट होता है हमारे पंप के साथ। अब हम पंप के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे प्री कार्बन फिल्टर के साथ। प्री कार्बन फिल्टर का आउटपुट हमारे मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है यानी TFC मेम्ब्रेन के साथ। इस TFC मेम्ब्रेन के दो आउटलेट होते हैं, एक में कनेक्ट होता है ड्रेन और दूसरे में कनेक्ट होता है हमारा अल्ट्रावायलेट फिल्टर। अल्ट्रावायलेट फिल्टर का जो आउटलेट होता है वो पोस्ट कार्बन फिल्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और आखिर में पोस्ट कार्बन फिल्टर का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली स्टोरेज टैंक में जाता है। काम खत्म होने के बाद बहुत जरूरी है कस्टमर का फीडबैक लेना। कस्टमर का फीडबैक हम इसलिए लेते हैं कि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए हमें ये कस्टमर फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म में टेक्नीशियन के बिहेवियर से लेके बात करने का सलीका, उसकी सहानुभूतिशीलता, ये सारी चीज़ें और साथ ही साथ कितने समय में टेक्नीशियन ने काम ख़त्म किया, ये सारी चीज़ें भी मेंशन की जाती है। तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।